पीपल फार्म का नाम अब जानवरों में तो कुछ ऐसा हो गया है कि भाई अब हम जाते हैं किसी केस के लिए, हम बताते हैं हम पीपल फार्म से हैं, जानवर खुद ब खुद हमारे नेट हमारे केज में आ जाते हैं। सिर्फ वो ही नहीं, वो जानवर भी जो यहाँ से हील होकर जा चुके हैं वो भी खुद यहाँ वापस आ जाते हैं। बस और कितना बस हुई है साथ रहे। इसको चार महीने चार पाँच महीने ऐसी कंडीशन में पेन ली नहीं बिल्कुल भी ये ले जा रहे मस्किन चेक से आईडिया नहीं है सर कटेगा तुम मोटा है ना बाहर मोटी है उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी अभी थोड़ी ढीली तो हुई है। बस हो गया ना मेरी तो कितने टाइम बाद रिलीफ मिला। इससे भी गहरा हो सकता था, भी गहरा है नहीं। जबेदी तुम तो यार हार ही मान गए, उठो। बेटी आजा नटकट, आजा नट्टू है नट्टू। नट्टू चल एडॉप्ट कराया था इसको तो हम उनको फोन करेंगे अभी ना। मैं फार्म जा रहा था, देखा यहाँ पे कोई डॉग सोया है तो मैंने बुलाया, फिर देखा इसका कान भी, फिर नटकट लगा डॉग वाइड हो गया इसको। कल का तो नहीं है, दो तीन दिन पुराने का, दो तीन दिन से भागा हुआ है। तो मैंने इंस्टेंटली कॉल किया उनको और उन्होंने यही बोला कि वो काफ़ी टाइम से घर के बाहर ही रह रहा है, तो उनको उनको पता नहीं था कि वो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने। तो लोग टिके ना टिके, जानवर तो यहाँ पे डेफिनेटली टिक ही रहे हैं, लेकिन इन टिके हुए जानवरों का अडॉप्शन बहुत जरूरी है, तभी हम आगे रेस्क्यूज ले पाएंगे। और हमारे कुछ टिके हुए जानवर, चाहे हम निरंतर उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर्स दे रहे थे, उनको लंपी स्किन डिजीज हो गया है। टोफू नैनो बुली अभी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सब में से ज्यादा वीक यही लग रही है, बहुत सुस्त लग रही है। चलो नैनो बस बस ऊपर चढ़ना पड़ेगा। आता है इसके लंप सबसे ज़्यादा है तीनों में से, और ये डल भी है। ये कितने सारे दिख रहे हैं पिछले, ये नैनो बुली में इतने नहीं आए, पेनफुल होते हैं एलर्जी के लंप्स तो। इसको पता चली है ना, चल तो भाग रहा है मेरा बुली है, लच्छी डाल है बुली, कहाँ भाग रहा है, ग्राउंड में भी बंद है, अंदर भी बंद है, अंदर पता नहीं सुबह इंजेक्शन लगा है। अब जब ऐसा कुछ होता है तो मेरा थोड़ा भगवान पर विश्वास हिल जाता है कि भाई इन जानवरों पे इंसान की मार तो पहले ही थी और अब ये वायरस की मार अलग। पर फिर मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कि भाई हमें जो है इमीडिएट दिखता है, अब भगवान का लार्जर प्लान कौन जाने। टाइगर को बोलना दूसरे रख लिया उसने क्या, और मजे करने के लिए कुछ नहीं किया, मेरे को अच्छे से देखना पड़ेगा एक बार। उनको कुछ पता नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब किसी स्टिमुलाई को ये हम इसको टच कर रहे हैं तो भी वो चीख रहा है, और आंखें भी इसकी खुली हुई हैं डायरेक्टली, तो आपको जो अंदर का टेपेटम दिख रहा है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है। जो हाइपरस्थेसिया है वो रेबीज में तो आता ही है, साथ में ऑब्जेक्ट्स को बाइट भी कर रहा है, अभी निकालते जाते इसने केज को भी बाइट किया था। रेबीज जैसी बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन इसकी रोकथाम वैक्सीन से मैनेज की जा सकती है। जैसे कि हमने अपने एरिया के सारे डॉग्स को वैक्सीनेट कर रखा है, और हम जो भी रेस्क्यूज यहाँ लाते हैं उनको रिलीज के पहले वैक्सीनेट जरूर करते हैं। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि देखिए ये डॉग जो कटखना था रेबीज की वजह से था, इसको तो हम यूथनाइज कर पाए, पर कई डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता, उन्हें वापस रिलीज कर देने पे छोटे बच्चे और लोग खतरे में आ जाते हैं, और इन डॉग्स को लोग फिर पीट पीट के मार देते हैं, इनके चक्कर में और डॉग भी मारे जाते हैं। तो मुझे लगता है या तो सरकार एग्रेसिव डॉग्स के लिए कोई इलाज दे, या लीगली एग्रेसिव डॉग्स को हमें यूथनाइज करने की परमिशन होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानवरों की वैल्यू नहीं करते, मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई इलाज मुमकिन नहीं है, जहाँ पे इलाज है वो तो हम करते ही हैं। इसका पहले काफी बड़ा कट था ना, जब रस्सी बंधी थी तो ऐसे यहाँ से पूरा राउंड कट था पूरा, तब ये काफी हील हो गया, मतलब पूरा हील है बस, मतलब रिलीज हो रहा है, जी जा रहा है माइक के, जा रहा है माइक के, खुश है आज। रुक जा लगाने दे बच्चे।
आज तू जा रहा है, ऐश कर तू आज। ये राजा की जो हरकतें हैं ना, इसका हमें बहुत कुछ काटना पड़ा है। आज हम आपको एक चीज बताएंगे अगली नेक्स्ट अपडेट में। ठीक है, हाँ ठीक है। ये मारता है और लगती बड़ी जोर से, इन सीखे थे ना। हाँ देखो वाला पूरे सीखे थे, तो अंदर ही गाड़ देता है ये। अब जितना मार ले, जा मेरे शेरा जा। चल अंदर। चेक कर रहा है खोफ है मेरा कि नहीं। बच्चे ठीक हो जाना। अच्छा ये मैम सुबह ना छत से गिर गई है, लेंटर से। मम्मी के पीछे भाग रही थी। हाँ। तो ये दोनों डॉगी भाग गए, तो इसको पता नहीं चल, ये फर्स्ट टाइम चढ़ी। हाँ। और ये गिर गई नीचे। चल तो रही है पर थोड़ी शांत सी होगी, और ये नहीं तो एक्टिव बहुत ज्यादा थी। डर भी बैठ जाता है, डर बैठ गया। सांस लेने में साउंड सी कर रही है थोड़ी खर खर सी ना, तो मैं क्या अंदरूनी इसको आई है ना, टांगे वगैरह तो सही चल रही है। ये बेचारे इंसानों की तरह क्या बता पाएंगे, इनको तो बस फीलिंग होती है, वो तो हम लोगों को समझना पड़ता है। शॉक में अपन डर गए अपन जोर से, ऐसे फील तो हो नहीं रहा है। जब मैं सुबह मैंने देखा ना इसको पुश कर रहा था, तो साउंड में ना खर 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 सी साउंड आ रही थी। ये तो एक बार एक्सरे में क्लियर हो पाएगा। ये कंचा है, इसकी माँ मार्बल को हमने कंप्लीट हीलिंग के बाद रिलीज कर दिया। इसकी हम स्पेस सर्जरी नहीं कर सकते थे क्योंकि इसकी उम्र भी बहुत कम है, और हम इसे रास्ते पर छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे क्योंकि इतनी मासूम है, इतनी प्यारी है, सुंदर भी है, तो हमें उम्मीद है कि इसे एक अच्छा घर ज़रूर मिल जाएगा। पिछली बार कमेंट्स में कोई कह रहा था कि भाई वैसे तो हम कहते हैं कि गाय के बच्चे को गाय से अलग मत करो, तो हमने कंचा मार्बल के साथ क्यों किया। देखिए हमने ये इसकी बेहतरी के लिए किया, पर लोग जब गाय के बच्चे को गाय से अलग करते हैं वो अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इसकी भी कंडीशन खराब है। कल काफ़ी सुस्त लग रही थी, तो थोड़ा देर तो धूप में निकलवाया, उसके बाद हमने इसको केज में रखा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाँफने लगी, पता नहीं एकदम से गर्म हो गई, तो अब मैंने इसको पानी पिलाया थोड़ा सा। गुड गर्ल, इतना क्यूट। ओए ओए, फिर से ओए भाई, इधर आओ, बाल उठा रहे। अच्छा भाई इसको क्या हुआ? बैठ गया ये। चलो कल से खाना नहीं खा रहा था, हमने इसको कल भी फूड थेरेपी की थी शाम को, उसने डायरिया भी काफ़ी किया है और उठ भी नहीं पा रहा है, तो अभी इसको हॉइस्ट करें ताकि थोड़ा सा ये अपने पैरों पे वेट ले, क्योंकि ऐसे तो ये बिल्कुल बाहर नहीं ले पा रहा है। पर इसको पेट में कब्जी तो थी जिसके लिए हमने दवाई पिलाई थी, पर उसकी हेल्थ कंटिन्यूसली डिटेरियरेट होती रही, इतना सब कुछ करने के बाद भी हम उसको नहीं बचा पाए। जब भी हमारे यहाँ किसी बैल की डेथ होती है, मैं इस बात को यही सोच के झेल जाता हूँ कि भाई इसको सड़क पर जाके कम से कम अब तड़पना नहीं पड़ेगा। जो एक अच्छी बात हुई वो ये कि क्रेटर लंपी स्किन डिजीज से नहीं मरा, क्योंकि सरकार के निर्देश तो हैं कि एलएसडी से कोई एनिमल मरता है तो इतना बड़ा इतना गहरा गड्ढा खोदें उसमें उसको दफनाएं, पर इतने बेसहारा पशुओं के लिए ज़मीन कहाँ है? भारत में गाय तो है पर ज़मीन नहीं है, ना उनके चरने के लिए ना उनके मरने के लिए।